नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त आलिया शर्मा। दोस्तों कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आज हम आपके लिए मोहाली की मोस्ट लग्जरी लोकेशन पे आपके लिए मोस्ट लग्जरी हाउस लेकर आए हैं। वन कनाल का बी रोड पे ये दोस्तों हाउस रहेगा। घर के बाहर बिल्कुल आपको 80 फीट की रोड मिलने वाली है। घर का आप फ्रंट यार्ड स्पेस देखते हैं, बहुत ही अच्छी स्पेस, मतलब बहुत अच्छी बोम एरिया दोस्तों आपको मिलने वाला है। सो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं करवाती हूँ इस मोस्ट लग्जरी हाउस का टूर आपको। बता चुकी हूँ ये जो लोकेशन रहेगी बी रोड पे रहेगी, आपके घर के बाहर आपको 80 फीट की मेन रोड मिलने वाली है। जो रोड रहेगी बहुत ही ब्रॉड रहेगी, बाकी बहुत ही अच्छे साइज की आपको बर्म एरिया मिल रहा है। पूरे मोहाली में आप चले जाओ इसी लेन में जो है आपको सबसे बड़ा बर्म एरिया मिल रहा है। और ये जो घर है इसकी स्पेशलिटी बता दूँ, पूरा सेंसर मोड रहेगा, प्रॉपर डिजिटल रहेगा। लाइक अभी मैं एंट्री करूँगी, देखो लाइट ऑन हो जाएगी, बाकी ये देखिए गेस्ट रूम की लाइट ऑन हो जाएगी, प्रॉपर सेंसर मोड दोस्तों आपको यहाँ पे लाइट मिलने वाली है। बाकी एंट्री भी आप देखिए कितनी प्यारी फोकस लाइट हमने लगा रखी है। लाइक कोई भी आपके घर पे आएगा ना उनका मन खुश हो जाएगा, मतलब इतना खूबसूरत घर देख के। आइए, सेंसर मोड गेट रहेगा, लाइक आपने सिर्फ एक बटन पे क्लिक करना है, आपका जो डोर है वो ओपन हो जाएगा और एक क्लिक पे ये प्रॉपर बंद हो जाएगा दोस्तों। सो दोस्तों ये थी हमारी एंट्रेंस, अब मैं दिखाती हूँ आपको घर अंदर से। सो दोस्तों सबसे पहले मैं एलिवेशन का बता दूँ, एलिवेशन बहुत ही मॉडर्न है और बहुत ही प्यारा है। मतलब यार देख सकते हो इसमें कितना प्यारा वर्क किया हुआ है, वुडन वर्क बहुत ही प्यारा, ग्लास वर्क बहुत ही प्यारा किया हुआ है। घर के अंदर हम 10 कैमराज लगा के दे रहे हैं और हर एक डोर के साथ मतलब हम ना सेंसर मोड एक अलार्म लगा के दे रहे हैं। आप दुनिया में किसी के भी कोने पे बैठे हो, आपने जस्ट आपके घर पे अगर कोई भी ब्रेक करने की कोशिश करता है कोई भी डोर या ग्लास, सो आपके पास अलार्म बजेगा। मतलब प्रॉपर सिक्योरिटी आपको यहाँ पे मिलेगी। आप सोचो नहीं यार ग्लास है तो कोई भी ब्रेक करके अंदर चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सिक्योरिटी और सिक्योर घर रहेगा दोस्तों ये। बाकी हेल्पलाइन के लिए हमने एक ये अलग से स्ट्रीट दे रखी है, जैसे कि ऊपर किसी ने सोलर सिस्टम या कोई भी सर्विस वगैरह करवानी हो, एसी की सर्विस वाला कोई आ रहा है उसके लिए अलग से हम एक एक्सेस दे रखा है। आपकी जो प्राइवेसी है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगी और बहुत ही प्यारा आप देख सकते हैं इसमें पूरी जो आपकी हेल्पलाइन है इसमें पूरा हमने लाइटिंग वर्क किया, बहुत ही प्यारा इसमें हमने प्यारे प्यारे गमले लगा रखे और इवन हमने कैमरास भी यहाँ पे इंस्टॉल किए हुए हैं दोस्तों। सो दोस्तों अब मैं दिखाती हूँ आपको फ्रंट से। तो दोस्तों मैं आपको ये वाला एरिया बता देती हूँ, आपको यहाँ पे वाटर लॉबी मिल रही है विद मिनिंग स्विमिंग पूल। अभी ये वॉकिंग नहीं किया है हमने, इसके अंदर हम लाइटिंग वर्क लगा के दे रहे हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी स्पेस दे रखी है। जब ये सारा कुछ ऑन हो गया और शाम का व्यू बहुत ही मतलब लेविश आपको दोस्तों मिलने वाला है। लाइक आपने कोई छोटी मोटी पार्टी करनी है, शाम को इंजॉय करना है, स्विमिंग पूल में बैठा तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है दोस्तों यहाँ पे। बाकी कैमराज हम इसमें इंस्टॉल करके दे रहे हैं, ऊपर वर्क आप देख सकते हैं कितना प्यारा वुडन वर्क किया हुआ है पूरे घर में, लाइटिंग का कोई इशू नहीं और ये शाम का व्यू आप देख सकते हो कितना मतलब अमेजिंग शाम का लुक यहाँ पे आपको दोस्तों मिलने वाला है। और यहाँ पे हम गार्डन भी बना के आपको दे रहे हैं, यहाँ पे हमने प्रॉपर प्लांटेशन वगैरह करी और ये प्रॉपर जो लाइटिंग है ना ये सारी सोलर लाइट्स है, रात को ऑटोमेटिकली ये जो लाइट है वो ऑन हो जाएंगी दोस्तों। आ रहे हैं ना आपको भी लग्जरी फील, मतलब मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ अंदर से ये घर देखने के लिए, क्या आप भी हो? सर दोस्तों अब मैं बता दूँ आपको, इसमें हमने प्रॉपर एक टेबल और दो चेयर्स लगा रखी है, नीचे पूरा ग्रास है जो ग्रो हो चुका है, इस साइड भी हमने एक टेबल लगा रखा और जो नीचे रैबिट है वो रेस्ट कर रहे हैं देखिए, बाकी ये नकली है। ओके सो दोस्तों इस साइड में कॉर्नर में आपको बता दूँ, जैसे मोस्टली ये क्या होता है कि पक्षी वगैरह होते हैं उनके उनको पानी वगैरह पीना, तो उसके लिए अलग से हमने एक नेस्ट स्पेस बना रखे, ऊपर रेस्ट छोटा सा रेस्ट रूम बना रखा है और नीचे प्लांटेशन वगैरह कर रखी है बहुत ही प्यारी। और ये पूरी जो लाइटिंग देख रहे हैं ना आप, ये पूरी सोलर लाइट्स रहेंगी, लाइक पूरी जो धूप से लाइक शाम को ये प्रॉपरली मतलब खुद ही ओपन हो जाए ऑन हो जाएंगी। और इस साइड दोस्तों हमने टैप्स के भी आपको प्रोविज़न दिए हुए हैं वाटर के, लाइक आपने इसमें जो पानी है वो स्टार्ट करना है इसमें फाउंटेन वगैरह में, इस साइड आपका ये फाउंटेन आ जाएगा जो बहुत ही प्यारा लगता है शाम को। इसके जो शॉर्ट्स हैं मैं कुछ डाल दूंगी, कुछ क्लिप्स अपलोड कर दूंगी दोस्तों। 3 स्टेप अप रहेंगे, आप एंट्री कर जाओगे, नीचे हमने प्रॉपर प्रोफाइल लाइट लगा रही है। मैं कार पार्किंग का दोस्तों आपको बताने ही भूल गई, 5 से 6 गाड़ियों की आपको पार्किंग मिलेगी, पार्किंग का कोई भी आपको इशू नहीं मिलने वाला। सो दोस्तों एंटर करते ही बहुत ही प्यारी हमने प्लांटेशन की हुई है, ये आपका बेल एरिया आ जाता है प्रॉपर, अपने यहाँ से बेल करनी है। मैट लुक में आपका टाइल वर्क आ जाएगा, डोर आप देखिए कितना लग्जरी डोर लगा रखा है, वाओ मतलब बहुत ही स्पेशल और काफ़ी बड़े साइज का वुडन है। और सेंटर में हमने इसमें ना गोल्ड का वर्क कर दिया और प्रॉपर स्मार्ट लॉक मिल रहा है आपको येल का, प्रॉपर आप की से या टच से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। पूरे घर में आपको सेंट्रलाइज एसी हम इंस्टॉल करके दे रहे हैं। बाकी एंट्री करते ही आपकी फोकस लाइट आ जाएगी, दैट इज योर फैंसी लाइट्स।
मेरे बिल्कुल लेफ्ट साइड आप पूजा रूम कह सकते हैं या स्टोर रूम, पूजा रूम वैसे ये तो स्पेस हमने दे रखा है, ये बाहर जाने के लिए भी एक्सेस दिया हुआ है इसमें हमने, और इस साइड भी एक स्पेस आपको दे रखी है, आप अपने अकॉर्डिंगली इसे यूज कर सकते हैं। ऊपर लाइटिंग वो प्रॉपर दिया हुआ है। बाकी दोस्तों एंट्री करते बिल्कुल राइट साइड मेरे रूम आ जाएगा, ये एक्चुअली हमने रूम में कन्वर्ट कर अभी हमने इसको सिटिंग एरिया में प्रॉपर चेंज कर रखा है। वैसे ये बेडरूम है आपका, इसमें हमने सोफाज बहुत प्यारे प्यारे लगा रखे हैं, आप देख सकते हैं, मतलब इतना अच्छा इंटीरियर कर रखा है, मेरा तो दिल खुश हो गया यार। आपको कैसा लगा ये इंटीरियर आप मुझे जरूर बताना। बाकी हमने इस साइड दो वो लगा दिए, और कर्टेंस आप देखिए प्रॉपर सेंसर मोड कर्टेंस, लाइक मोटराइज कर्टेंस आपको दोस्तों यहाँ पे मिलेंगे। बाहर का व्यू देख सकते हैं, शाम को और सुबह का बहुत ही अमेजिंग दोस्तों आपको यहाँ पे व्यू मिलने वाला है। अब मैं आपको थोड़ा बता दूँ, UPVC विंडो रहेगी यहाँ पे, जैसे हमने बाहर जाना ये स्लाइडर आ जाएगा, प्रॉपर साउंड प्रूफ ये रहेंगी। व्यू देखिए यहाँ से आप गार्डन का, ओ माय गॉड बहुत ही मतलब अमेजिंग दिख रहा है यहाँ से व्यू। सो दोस्तों अब हम इसे बंद करते हैं, अब मैं दिखाती हूँ इस साइड, देखो लाइटिंग वर्क फैंसी लाइट्स आपकी आ जाएगी, बहुत ही प्यारी सीनरी वर्क किया, ऊपर फैंसी लाइट्स मिल रही है, फैन देखिए आप कितने अमेजिंग फैन लगा रखे, काफी डिजाइनर है ना। बाकी सेंट्रलाइज एसी आपको लगा के हम यहाँ पे दे रहे हैं, और रूम साइज देख लिए काफी स्पेशियस आपको रूम साइज दोस्तों यहाँ पे मिल रहे हैं। ये देखिए प्रॉपर जो रहेगा स्मार्ट स्विचेस आ जाएंगे आपके यहाँ पे, ये एसी के लिए आपको प्रॉपर रिमोट दे रखा है यहाँ पे, और ये आपका वॉशरूम आ जाता है अटैच, जो कॉमन रहेगा जैसे कोई घर में गेस्ट वगैरह आ जाते उसके लिए एक कॉमन वॉशरूम आ जाएगा। बाकी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, आप देख सकते हैं मतलब काफी लेविश लुक दे रहा है वॉशरूम भी, प्रॉपर वैनिटी देखिए आप। फ्लश एरिया और शॉवर एरिया दोनों हमने सेपरेट कर दिया, वॉल हैंगिंग दोस्तों आपको सिटिंग्स मिल रही हैं यहाँ पे, जैगुआर की फिटिंग्स रहेंगी दोस्तों, ग्लास देखिए लुकिंग मिरर, आप अपने अकॉर्डिंगली जो लाइट्स हैं वो चेंज कर सकते हैं। बाकी इस साइड आपका वॉकिंग क्लोसेट आ जाएगा, ये देखिए प्रॉपर फुल हाइटेड आपको यहाँ पे वार्डरोब्स मिल रहे हैं, लॉकर का प्रोविजन भी, और अंदर हम प्रोफाइल लाइट्स आपको यहाँ पे लगा के दे रहे हैं। आइए इस साइड दोस्तों आपका ड्रेसिंग स्पेस एरिया आ जाएगा। कर्टन्स में आपको बता दूं सारे सेंसर मोड कर्टन्स दोस्तों यहाँ पे रहेंगे, ग्लास वर्क बहुत ही अच्छा, बाहर का व्यू है जो बहुत बढ़िया मिलने वाला, मतलब मोस्टली ऐसा जो व्यू देखने को मिलता है वो फॉरेन में मिलता है, ऐसे जो हाउसेस बनते हैं मतलब फॉरेन कंट्रीज में बनते हैं। सो दोस्तों ये हमने मोहाली में बना रखा है। अब मैं ड्रेसिंग एरिया का आपको बता दूं, ये आपका ड्रॉइंग एरिया आ जाता है दोस्तों, प्रॉपर इजिली हमने 10 सीटर तक का सोफा यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है, स्पेस का कोई इशू नहीं, बहुत ही स्पेशियस आपको स्पेस यहाँ पे दोस्तों मिल रही है, ऊपर बहुत ही प्यारा झूमर लगा रखा है, फैंस बहुत अच्छी क्वालिटी के हमने यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं, सेंट्रलाइज एसी दोस्तों यहाँ पे भी आपको मिल रहा है, बाकी फोकस लाइट लगा रखी है इसमें। इस साइड आपका LED पैनल आ जाएगा, बहुत ही जो लग्जरी लग रहा है देखने में, काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहा है। वॉल पे हमने POP वर्क कर दिया है दोस्तों यहाँ पे, इस साइड भी ग्लास वर्क हमने प्रॉपर किया हुआ है गाइस। आइए सो दोस्तों ये थी आपका ड्राइंग एरिया, अब मैं आपको दिखाती हूँ मेडिटेशन एरिया, लाइक आपने योगा वगैरह करना हो या कोई भी मेडिटेशन करनी हो, एक्सरसाइज करनी, उसके लिए हमने अलग से ये एक स्पेस दे रखी है आपको, प्रॉपर यहाँ पे हमने महात्मा बुद्ध जी का स्टेचू लगा रखा है, वॉल पे बहुत अच्छा वर्क किया हुआ, आर्टिफिशियल हमने यहाँ पे ग्रास लगा दिए, गमले लगा रखे हैं, दो चेयर लगा दी, मतलब वाइब ना आपको बहुत ही पॉजिटिव यहाँ पे आने वाली है, और ऊपर लाइटिंग आप देखिए कितनी खूबसूरत लगा रखी है, ऊपर का व्यू देखिए आप, मतलब यार आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है जब आप इस घर में आकर रहना स्टार्ट करेंगे। सो दोस्तों अब मैं दिखाती हूँ आपको बाहर से, आइए अब मैं दिखाती हूँ आपको सेकंड बेडरूम, प्रॉपर एंट्री करते ही एक हमने ग्लास दिया हुआ, लाइक आपने कोई भी लाइट वगैरह चेंज, जिनको भी रील्स बनाने का शौक है ये चीज़ तो उसके लिए स्पेशल है दोस्तों। सो दोस्तों ये आ जाता है आपका सेकंड बेडरूम, वॉल पे हमने POP वर्क किया हुआ है, बहुत ही एलिगेंट वर्क हो रखा है, बहुत ही एलिगेंट इंटीरियर हो रखा है यहाँ का। इस साइड आप देख सकते हैं पैनल हमने लगाया हुआ है, वॉल पे प्रॉपर POP आ गया वर्क, ऊपर लाइटिंग वर्क आप देख सकते हैं कितनी फैंसी लाइट्स हमने लगा रखी हैं। इस साइड बैकयार्ड एरिया में आपको सबसे पहले बता देती हूँ क्योंकि अंधेरा हो रहा है, क्यों ना मैं यहाँ के शॉट्स भी आपको कुछ दिखा दूँ। आइए ये आपका फ्रंट यार्ड एरिया आ जाता है दोस्तों, प्रॉपर हमने इसमें प्लांटेशन कर रखी है, मतलब मोस्टली बड़े घरों में भी होता है, या तो बैकयार्ड एरिया ज़्यादा नहीं होता या कम, मोस्टली कम ही होता है, बट यहाँ पे आपको कोई इशू नहीं मिलने वाला, मतलब बहुत फ्रंट यार्ड भी स्पेस बहुत ज़्यादा मिल रहा है और बैकयार्ड स्पेस भी आपको काफ़ी अच्छी स्पेस के साथ मिल रहा है। लाइटिंग वर्क आप देख सकते पूरे घर में, मतलब प्रोफाइल लाइट लगा रखी है, कैमराज इसमें इंस्टॉल कर रखे हैं दोस्तों, देखिए बाकी प्रॉपर पार्टीशन कर रखे हैं, ऊपर जाने के लिए हमने प्रॉपर एक स्टेयर अलग से दे रखी है आपको उस साइड।
सो दोस्तों उस साइड हमने टैप्स के भी प्रोविजन आपको दे रखा है, लाइक आप वॉशिंग मशीन रख रहे हैं, कोई भी अपने अकॉर्डिंगली अपने पौधों को पानी वगैरह देना है या कुछ भी अपने अकॉर्डिंगली, वहाँ पे हमने आपको एक टैप्स का प्रोविजन दिया हुआ है। सो दोस्तों मैं आपको इस साइड बता दूँ, थोड़ा रूम में आके आइए दोस्तों, मैं आपको बता दूँ ये जो गोल्ड एरिया है ना प्रॉपर, ये मोस्टली जो बिल्डर्स ने बनाया था ये लेडीज़ के लिए बनाया था कि उनके लिए अलग से एक कपबोर्ड्स बना दिया था, जिसके अंदर हमने प्रॉपर इसमें वर्क किया हुआ है, प्रोफाइल लाइट लगा रखी है, देखिए है ना अमेजिंग चीज़। इस साइड देखिए और काफ़ी स्पेशियस वार्डरोब्स आप देख सकते हैं, पूरी वॉल्स पे जो कवर किए हुए हैं, सेंटर में हमने जो है वो मिरर लगा दिए, ऊपर भी बहुत प्यारी फैंसी लाइट लगा रखी है और ऊपर भी इवन आपको मिल रही है लाइट्स, ये देखिए आप इसके पे भी देख सकते हैं बहुत अच्छी जो लाइटिंग है वो चेंज हो रही है, बाकी वॉल्स दोनों हम कवर करके आपको दे ही रहे हैं। और इस साइड आपका ड्रेसिंग एरिया आ जाता है, लाइक आपने मेकअप वगैरह का कोई भी सामान रखना आप वो रख सकते हैं, ये थीम बेस रखा हो ये जो वार्डरोब्स हैं। बाहर निकलते ही ये वॉशरूम आ जाएगा दोस्तों, बहुत ही स्पेशियस आपको वॉशरूम मिला है, जितना मतलब किड्स बेडरूम का साइज होता है उतना बड़ा मतलब आपको वॉशरूम का साइज मिल रहा है। और ग्लास देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी के लगा रखे हैं इन्होंने, मतलब ग्लास देख के मेरा तो मन खुश हो गया यार। बाकी जैगुआर की दोस्तों फिटिंग मिली है, वैनिटी बॉक्स नीचे आ जाएंगे बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, देखिए बाकी फुल हाइटेड टाइल वर्क इसमें किया हो प्रॉपर। इसमें वॉशरूम में भी हम आपको फैंस लगा के दे रहे हैं दोस्तों, वॉल हैंगिंग स्विच आ जाएंगी आपकी, आइए ये आ जाएगा आपका ग्लास का, ग्लास रहेगा ये प्रॉपर जो मतलब पार्टीशन दी हुई है वॉशरूम में। आप दोस्तों क्या आपने देखा है कि एक रूम के साथ अटैच दो वॉशरूम और अटैच दो वॉकिंग क्लोसेट हो इस घर में, ज़रूर है आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने देखे हैं या नहीं देखे हैं, मतलब मेल और फीमेल की अलग ही थीम कर दिया, अलग ही वॉकिंग क्लोसेट फीमेल के लिए अलग बना दिया और वॉशरूम भी अलग बना दिया, ये प्रॉपरली मेल के लिए बना रखा है, इसमें ब्लैक थीम दे रखी थी और जो गर्ल्स के लिए थी मतलब वुमेंस के लिए थी उस थीम में हमने गोल्डन कलर की थीम दी हुई थी। वॉकिंग क्लोसेट आ गए प्रॉपर आपके, आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है इसको, प्रॉपर सॉफ्ट क्लोजर फिटिंग्स मिल जाएंगी, इस साइड भी प्रॉपर हैंगर दे रखा है आपको, इस साइड हमने हैंड वॉश के लिए स्पेस दे रखा है आपको, नीचे वैनिटी बॉक्स दोस्तों आपको मिल रहा है, ऊपर फोकस लाइट आपको मिल रही है, इस साइड आपको वॉकिंग क्लोसेट मिल जाएगा प्रॉपर, अंदर देख सकते हैं आप अंदर प्रोफाइल लाइट लगा रखी है, नीचे लॉकर का दोस्तों आपको प्रोविजन मिल रहा है, आइए। और इवन पूरे घर में दोस्तों हमने आपको जो कैमराज है वो इंस्टॉल करके दे रहे हैं, यहाँ पे आपको स्पा एरिया भी मिल रहा है, आइए लेट मी शो यू, दैट इज योर स्पा एरिया, इस साइड आपको फ्लश एरिया आ जाता है दोस्तों, बाकी इस वॉशरूम के साथ अटैच आपको जकूजी भी मिल रहा है, आइए दैट इज योर जकूजी एरिया, मतलब मेरी फेवरेट चीज यही है, मुझे बहुत प्यारा लग रहा है ये। और इस साइड आपका आ गया प्रॉपर, हमने झूला लगा रखा है, बहुत ही लग्जरी फील आने वाला है आपको। और मैं आपको बता दूं बाहर से भी इसका एक्सेस रहेगा, जो आपका मिनी स्विमिंग पूल है उसके साथ इसका एक्सेस रहेगा, देखिए आप प्रॉपर हमने दो चेयर्स लगा रखी है, वॉल पे भी बहुत ही प्यारा वर्क किया हुआ, व्यू मतलब आप देख सकते हैं बहुत अच्छा व्यू मतलब यहाँ से दिख रहा है आपको, बाकी आप देखिए इस साइड आइए बाहर बहुत ही अच्छा गार्डन की स्पेस दे रखी है, बहुत प्यारी जो दिख रही है आप देख सकते हैं, मतलब आप देख सकते हैं मुझे तो नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है और ग्रीनरी आप देख सकते हैं कितनी प्यारी हो रखी है, बहुत ही प्यारी यार। सो दोस्तों अब आगे हम किचन एरिया में, वेट और ड्राई किचन हमने दोनों सेपरेट कर दिए, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ब्लम की फिटिंग्स रहेंगी, लाइक सॉफ्ट क्लोजर रहेंगी, अंदर हम प्रोफाइल लाइट लगा के दे रहे हैं और बहुत ही प्यारा ग्लास वर्क किया हुआ है, नीचे जो फिटिंग्स आपको मिल रही है वो सारी सॉफ्ट क्लोजर मिल रही है, हैफल्स की आपको यहाँ पे चिमनी और हॉब मिल रहा है दोस्तों, प्रॉपर जो है टच पैनल से ये चलेगी, लाइक आपने सिर्फ सर्कल पे प्रेस करना है और ये प्रॉपर ऑन हो जाएगी एंड ये ऑफ हो जाएगी दोस्तों, बाकी इस साइड भी हम प्रोफाइल लाइट आपको लगा के दे रहे हैं अंदर, और ग्लास वर्क किया हुआ है प्रॉपर हमने यहाँ पे, नीचे कैबिनेट्स की काफ़ी अच्छी स्पेस दे रखी है आप देख सकते हैं, बाकी जो हमारी किचन है प्रॉपर वास्तु फ्रेंडली दोस्तों रहेगी, आप देख सकते हैं प्रॉपर वेंटिलेशन का आपको कोई नहीं इशू आने वाला, ना ही सनलाइट का कोई आपको इशू मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे प्रॉपर आपने बाहर जाना है इसके लिए हमने यहाँ पे एक एक्सेस दिया हुआ है आपको, ये आपका मिनी ड्रेसिंग टेबल आ जाता है आप देख सकते हैं, लाइक आपने ब्रेकफास्ट अपना इंजॉय करना आप वो कर सकते हैं यहाँ पे, बाकी नीचे वेजिटेबल ट्रेस दे रखी है हमने आपको और कैबिनेट्स की भी आपको यहाँ पे स्पेस हमने दे रखी है, ऊपर आपको हम झूमर लगा के दे रहे हैं, अब आप सोच रहे होंगे मैम ये तो झूमर है बट दोस्तों ये फैन भी है, मतलब झूमर तो है ये फैन भी दोस्तों आपको यहाँ पे मिल रहा है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, जो बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका मैं शॉट है जो अपनी वीडियो में डाल दूंगी, ऊपर आपको बहुत ही प्यारी फोकस लाइट मिल रही है यहाँ पे,
इस साइड आ जाते हैं हम। अब आप यहाँ पे आपको जर्मन बेस मोटर प्रेशर हम लगा के दे रहे हैं टैप में, जो भी आपके पूरे घर की टैप से प्रॉपर प्रेशर से उसमें पानी आएगा, देख सकते हैं आप। बाकी आरओ के लिए भी ये छोटी टैब हमने यहाँ पे लगा रखी है। अंदर हम प्रोफाइल लाइट दोस्तों आपको लगा के दे रहे हैं, इस साइड एलईडी लाइट्स आ जाएंगी आपकी, माइक्रो ओवन और ओटीजी की स्पेस आ जाएगी, और मोस्ट ब्रांडेड हमने यहाँ पे फिटिंग की लगा रखी है, ये जो ब्रांड लगा रखा है हैपल्स का दोस्तों लगा रखा है। इस साइड आपकी रेफ्रिजरेटर की स्पेस आ जाएगी। अब मैं दिखाती हूँ आपको वेट किचन, आइए। ये टोटली हमने सेपरेट कर दी, इसके लिए हमने एक अलग से डोर रखा है, लेकिन जैसे आपने बर्तन वगैरह वॉश करने हो कभी मन नहीं होता तो मतलब प्रॉपर ये हिडन किचन रहेगी, आपने सिर्फ लॉक करनी है इसको, यहाँ से आप कर सकते हैं। बाकी डबल बाउल सिंक रहेगी, साउंड प्रूफ रहेगी, और जैगुआर की दोस्तों आपको इसमें फिटिंग्स मिल रही है, और पूरे जितने भी कैबिनेट्स है हर एक कैबिनेट्स के नीचे हम लाइटिंग लगा के दे रहे हैं आपको, प्रोफाइल लाइट लगा के दे रहे हो, काफ़ी अच्छी स्पेस के साथ आपको ये कैबिनेट्स मिल रहे हैं। इस साइड भी स्पेस काफ़ी अच्छी दे रखी है, ऊपर बहुत ही प्यारा ग्लास वर्क किया हुआ है। इस साइड आपकी पेंट्री आ जाएगी, लाइक आपने कोई भी ग्रोसरी वगैरह का सामान रखना आप वो रख सकते हैं, मतलब कॉम्प्रोमाइज कोई नहीं किया हो फिटिंग में, फिटिंग जो है प्रॉपर आपको ब्रांडेड मिलने वाली, और सारी सॉफ्ट क्लोजर रहेंगी। बाहर जाने के लिए आपको एक एक्सेस दे रखा है यहाँ पे बैकयार्ड स्पेस का। अब चलते हैं बेसमेंट पे, आइए। साइड पे हमने स्टेयर्स पे लाइटिंग वर्क कर दिया है, जो बहुत ही प्यारा दिख रहा है, ऊपर फैंसी लाइट्स आपको बहुत ही प्यारी मिल रही है। आइए प्रॉपर मतलब स्टेयर पे आप देख सकते हो कितना प्यारा ग्रेनाइट लगा रखा है, और ग्लास वर्क बहुत ही प्यारा किया हुआ है। आइए इस साइड दोस्तों आपको नीचे बेसमेंट में भी एक रूम मिल रहा है, देखिए बहुत ही प्यारा, ऊपर टॉप पे बहुत ही प्यारा वर्क किया हो, बहुत ही प्यारी फैंसी लाइट्स मिल रही हैं इसमें आपको, फैंस हम इसमें इंस्टॉल आपको करके दे रहे हैं। बाकी ये वॉल पे हमने वर्क किया हो, जिसे वॉल है जो बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रही है दोस्तों। इस साइड आपको दिखा देती हूँ दोस्तों, अटैच आपको वॉशरूम मिल रहा है दोस्तों यहाँ पे, देखिए ये दोनों रूम के साथ है, मतलब जो है ना कनेक्टेड वॉशरूम रहेगा, ये कॉमन वॉशरूम कर दिया हमने, ये प्रॉपर ऊपर फैन लगा के दिया हुआ है, ग्लास बहुत ही प्यारा लगा रखा है, बहुत ही प्यारे इसमें हमने जो सिंक देख सकते हैं आप कितने वॉश वेसल बहुत ही प्यारे लगा रखे, नीचे आपको वॉश वेसल्स मिल रहे हैं, वॉल हैंगिंग सीट रहेगी जो सॉफ्ट क्लोजर रहेंगी। आइए ये आपका सेकंड बेडरूम आ जाएगा दोस्तों, लाइटिंग वर्क देखिए आप कितना खूबसूरत है, ओह माय गॉड बहुत ही प्यारा लाइटिंग वर्क आपको दोस्तों यहाँ पे मिल रहा है। इस साइड आपको वॉकिंग क्लोसेट मिल रहे हैं अलग से, मतलब देखिए दोनों साइड वॉकिंग क्लोसेट आपको मिल रहे हैं, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मिल रहे हैं, नीचे कैबिनेट्स की भी बहुत अच्छी स्पेस दे रखी है, और इवन फोकस लाइट भी दोस्तों यहाँ पे लगा रखी है, वाओ रियली अमेजिंग। आइए आप मैं दिखाती हूँ आपको बाहर से, वॉल पे बहुत ही प्यारा पीओपी वर्क मिल रहा है इस साइड, और इस साइड भी हमने एक स्पेस दे रखी है छोटी सी, लाइक आप अपने अकॉर्डिंगली इसे मैनेज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली आप इसे बना सकते हैं। सो दोस्तों ये थी बेसमेंट एरिया, अब मैं दिखाती हूँ आपको फर्स्ट फ्लोर दिखाती हूँ। सो दोस्तों अभी मैंने आपको बेसमेंट बताई, वैसे तो वहाँ पे प्रॉपर ओपन स्पेस दे रखा, आपने रूम में कन्वर्ट करना आप वो कर सकते हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंगली आपने एज अ रूम यूज़ करना वो कर सकते हैं, या एज अ पार्टी हॉल टाइप या कुछ भी उसे अपने अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं हम ऊपर वाले फ्लोर पर, हम आ गए हैं प्रॉपर यहाँ पे बाहर, देखिए फैमिली लॉन्ज एरिया टाइप आ गया, बहुत ही स्पेशियस आपको फ्रंट में बालकनी मिल रही है, ऊपर सेंट्रलाइज एसी लगा के दे रहे हैं, और फैंस भी हम इसमें इंस्टॉल करके दे रहे हैं, मतलब इस घर का आप प्लस पॉइंट देखिए कितनी स्पेशियस आपको बालकनी मिल रही है यार, मतलब बहुत से बड़े घर देखे मैंने वन नाल की इतनी स्पेशियस बालकनी कहीं नहीं मिलती, बट इसकी जो स्पेस आप देखिए फ्रंट यार्ड कितना प्यारा दिख रहा है, और प्रॉपर इसमें हमने प्लांटेशन वर्क किया हुआ है, देख सकते हैं प्रॉपर प्लांटेशन लगा रखी है, लाइटिंग वर्क किया, और देखिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था जब मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी कि सोलर लाइट्स रहेंगी, देखिए पूरी जो लाइट्स है वो प्रॉपर जल रही हैं, कितनी प्यारी दिख रही है, व्यू कितना प्यारा दिख रहा है यहाँ से। बाकी प्रॉपर हम इसमें जो ऊपर वाले फ्लोर पे भी आपको कैमराज है जो वो इंस्टॉल करके दे रहे हैं, ऊपर फोकस लाइट आप देख सकते हैं कितनी प्यारी दिख रही है, बालकनी बहुत ही प्यारी है, लाइक फ्रंट यार्ड तो है ये, इस साइड साइड में भी आपको काफ़ी अच्छी स्पेस दे रखी है, और ग्लास देखिए आप बहुत ही प्यारे ग्लास वर्क यूज़ किया हुआ जो है सेंसर मोड ग्लास। सो दोस्तों ये आपका फ्रंट यार्ड एरिया आ गया, अब मैं आपको ऊपर वाला रूम दिखाती हूँ दोस्तों, आइए ये देखिए, लाइक ये डोर है जो प्रॉपर स्लाइडर रहेगा दोस्तों, इसमें जो स्विचेस मिल रहे हैं प्रॉपर आपको जो मिलेंगे वो पूरे स्मार्ट मिलेंगे, सेंट्रलाइज एसी मिलेगा आपको यहाँ पे, फ्लोरिंग टाइल देखिए कितनी प्यारी हो रखी है, बाकी मोटराइज्ड एसी मिलेंगे, मोस्टराइज सॉरी आपको कर्टेंस मिलेंगे यहाँ पे,
और ऊपर हमने बहुत ही प्यारा लाइटिंग वर्क किया हुआ है, सेंट्रलाइज एसी है यहाँ पे। बाकी इसके साथ अटैच आपको वॉकिंग क्लॉसेट मिल रहा है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इस साइड हमने जो है छोटे छोटे कैबिनेट्स आपको बना के दे दिए, आप अपने अकॉर्डिंगली इसे यूज़ कर सकते हैं। अंदर हम प्रोफाइल लाइट इसमें लगा के दे रहे हैं, प्रॉपर सॉफ्ट क्लोजर फिटिंग्स आ जाएंगे यहाँ पे। और अटैच एक वॉशरूम मिल रहा है दोस्तों आपको, देखिए लाइट फ्लश एरिया और जो शॉवर एरिया दोनों हमने सेपरेट कर दिए हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी के टैप्स यहाँ पे लगा के रखे हैं। प्रॉपर यहाँ पे स्मार्ट आपको मिरर मिल रहा है यहाँ पे, ये देखिए। बाकी नीचे वैनिटी बॉक्स बहुत ही प्यारा मिला, वॉल हैंगिंग सीट्स है और जैगुआर की फिटिंग है। और ऊपर हम फैंस पीस में हम इंस्टॉल करके दे रहे हैं। आइए अब दिखाती हूँ मैं आपको नेक्स्ट बेडरूम। तो दोस्तों इस साइड भी हमने एक स्पेस दे रखी है, लाइक आपने एज अ पूजा रूम आप इसे यूज़ कर सकते हैं। हमने एज ए पूजा रूम ही इसे कन्वर्ट कर रखा और वाहेगुरु जी की जो फोटोज़ लगा रखी हैं इसमें, और ऊपर लाइटिंग वर्क किया हुआ है। आइए अब मैं दिखाती हूँ आपको फोर्थ बेडरूम। फोर्थ बेडरूम भी बहुत स्पेशियस है, देखिए बेड लगाने के बाद भी कितनी अच्छी स्पेस लगी हुई है। इवन दो बेड आप एक रूम में लगा सकते हैं, इतनी स्पेस दे रखी है। बाकी सेंट्रलाइज एसी है, ऊपर लाइटिंग वर्क बहुत ही प्यारा, फैन हम इसमें इंस्टॉल करके दे रहे हैं, फैंसी लाइट्स बहुत प्यारी लगा के दे रहे हैं। फ्रंट में हमने एक पैनल भी आपको लगा के दिया हुआ, आप अपने अकॉर्डिंगली इसे यूज कर सकते हैं दोस्तों। बाकी वॉकिंग क्लॉसेट मिल रहा है इस रूम के साथ अटैच आपको, जो बहुत ही प्यारा लगा रखा है। देखो पूरा ग्लास का लगा रखा है, आजकल वैसे मोस्टली ग्लास के ही जो वार्डरोब्स हैं वो चल रही हैं। बाकी अंदर हम प्रोफाइल लाइट लगा के दे रहे हैं इसमें आपको, बहुत अच्छी स्पेस में मिल रही है। पूरी वॉल है जो वो कवर की हुई है, देखिए नीचे कैबिनेट्स की भी स्पेस दे रखी है। इस रूम के साथ भी आपको अटैच बहुत ही प्यारा वॉशरूम मिल रहा है, वॉल हैंगिंग सीट्स मिल रही हैं, वैनिटी बॉक्स बहुत प्यारे यूज़ किए हुए हैं, फैंस मिल रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं इवन सब कुछ आपको सेम मिलने वाला है। इस रूम के साथ मैं आपको बैकयार्ड स्पेस बता देती हूँ दोस्तों। आइए आपको पर्दों का मैंने बता दिया, सारे मोटराइज्ड रहेंगे। आइए वाओ, ये भी बहुत ही मतलब स्पेस तो बहुत ज़्यादा बैक साइड भी मिल रहा है, फ्रंट में तो मिल ही रहा है, मतलब बैक साइड भी आप देखिए। अभी आपके घर के बैक साइड भी कोई घर नहीं बना हुआ, तो मोस्टली आप टू साइड ओपन कह सकते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी कोई घर नहीं बना हुआ है। और रोड बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं, बाकी CP67 मॉल बिल्कुल नियर बाय है यहाँ से। देखिए इस साइड भी हमने टैप्स वगैरह के आपको प्रोविज़न दोस्तों दिए हुए हैं, लाइक आपने वॉशिंग मशीन वगैरह जैसे भी आपने इंस्टॉल यहाँ पर आप कर सकते हैं। ऊपर फोकस लाइट बहुत ही प्यारी लगा रखी है, शाम को टी कॉफी इन्जॉय करना आप वो कर सकते हैं। इस साइड भी स्पेस काफ़ी अच्छी दे रखी है। बाकी दोस्तों ऊपर जाने के लिए भी हमने प्रोविज़न दे रखी है, मैंने आपको बताया जैसे कोई सर्विस मैन है जिसने अपना एसी वगैरह ठीक कर रहा है, या टंकीज़ वगैरह जो पानी वाली वाटर टैंक हमने ऊपर दिए हुए हैं उसके लिए अलग से ही एक हेल्पलाइन वाली हमने स्टेयर्स आपको दोस्तों दे रखी है। बाकी बाहर जाने के लिए इधर से स्पेस आ जाएगी। इस रूम के साथ एक हमने ये सर्वेंट रूम टाइप भी आपको दिया हुआ है। दोस्तों मैं टॉप पे आई थी, बट अभी जो हमारा रूफ है वो प्रॉपर हमने लॉक किया हुआ है, इस साइड हमने ग्लास वर्क किया और बहुत ही प्यारा झूमर लगा रखा है। सो दोस्तों अब हम एंड करते हैं इस वीडियो का, मैंने आपको दोस्तों ये था हमारा प्यारा सा एक कनाल का घर। देखो लोकेशन तो प्राइम है ही है इसकी, बट ये जो घर है ना वो भी प्राइम है, मतलब मोस्ट लग्जरी। और इस घर का लेआउट बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा इसमें इंटीरियर हो रखा है। अगर आपका भी मतलब आप भी इस टाइप का कुछ घर देख रहे हैं तो आप एक बार इस घर को ज़रूर विजिट करना, आपका मतलब मन खुश हो जाएगा दोस्तों इस घर को देख के। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।